मम्मी मुझे काम नहीं करना, मुझे स्कूल जाना है। बाबू तुम्हें तो पता है ना मेरे पास पैसे वैसे है नहीं, तो मैं तुम्हें कहाँ से स्कूल भेजूंगी। मेरा भी पढ़ने का मन करता है लेकिन गरीबी कारण नहीं पढ़ता। बेटा काम करने से कितना पैसा आ जाएगा कि मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगी। ये लो जाओ उस अंकल का डब्बा दे आओ। अरे बेटा तुम स्कूल नहीं गए, कहाँ जा रहे हो डब्बा लेके? अरे अंकल जी मैं स्कूल नहीं जाता, हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम स्कूल जा सकते। अच्छा चलो अपने घर मुझे लेके चलो। सुनिए मैडम जी आपका बच्चा पढ़ने का आयज है तो आप इससे काम करवा रही हैं। अरे सर हम लोगों के पास इतनी गरीबी है कि खाने तक के पैसे नहीं, तो मैं इसको कहाँ से पढ़ाऊंगी। आज से इसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप इससे काम मत करिएगा, कल से स्कूल जाएगा। धन्यवाद सर। जाओ बाबू कल से स्कूल जाना तुम। चलो अब से तुम भी पढ़ोगे। रुकिए सर ऐसे आप कितने बच्चों को पढ़ाएंगे? अगर उसकी मम्मी चाहती तो उसे पढ़ा सकती थी, लेकिन उसकी मम्मी मेहनत नहीं करना चाहती है। अरे बाबा तब क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। रुको बच्चा मेरे पास एक तरकीब है, देखता हूँ काम करता है कि नहीं। सुनो बच्चा तुम तो काफी गरीब हो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। कैसे किस्मत बदल सकते हैं बाबा? बच्चा ये लो मरिए तुम्हारी किस्मत बदल देगा। ठीक है बाबा। इस मड़ी को तुम जितना धूप में तपाओगे उतनी तुम्हारी किस्मत चमकेगी। ठीक है बाबा, ऐसी बात है तो मैं इसे दिन रात धूप में लेकर रहूंगी। आशीर्वाद बच्चा। चलो बेटा चलो धूप में। मम्मी जितना धूप में खड़ा उससे अच्छा तो कुछ खेत में काम कर लेते हैं। हाँ बाबू तुम ठीक कह रहे हो, इसको हम लोग धूप में भी रख लेंगे और कुछ काम भी कर लेंगे। जाओ तुम घर से कुदाल लेकर आओ। ये लीजिए। ठीक है तुम लोग इसे धूप में लेकर आओ, मैं कोड़ती हूँ। अरे जब इतना कोड़ ही दूँ तो इसमें बीज बो देती हूँ, कुछ हो जाएगा। चलो सारे बीज बो गए। चलो आज का काम हो गया, आप कल आएंगे। अरे बाबू चलो हम लोग मड़ी को आज भी धूप में रखते हैं। अरे बाबू हम लोगों की फसल तो इतनी बड़ी हो गई है। चलो बाबू इसको खादी पानी देकर इसको और बड़ा करते हैं। अरे बाबू कुछ दिन में हम लोगों की फसल तैयार हो जाएगी। अरे बाबू हम लोगों की फसल तो तैयार हो गई है, मार्केट में बेचने लायक। तुम्हें मड़ी पकड़ो, इसको धूप में रखे रहना, मैं मकई तोड़ के इसको मार्केट में बेचती हूँ। अरे बाबू ये तो मकई बहुत ज्यादा हो गया, तुम मड़ी लेकर घर जाओ, मैं इसे मार्केट में बेच के आती हूँ। अरे बाबू ये देखो हमें उतना सारा मकई बेचकर इतना सारा पैसा मिल गया, वो सारे मकई बेचकर हम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। चलो इस पैसे से अपना घर बनवाते हैं। अरे यार कई साल हो गए, चल के देखता हूँ उसके अंदर कुछ सुधार हुआ कि नहीं। अरे अरे बच्चा मुझे पहचाना? अरे बाबा आपको कैसे नहीं पहचानूंगी, आपके दिए हुए मड़ी से तो मैंने इतना सारा घर बनवा लिया। नहीं बच्चा वो मड़ी को जैसे कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ तुम्हारे मेहनत की वजह से हुआ है। तुम दिन रात करके खेत में काम करते थे, उसी को वजह से आज महल तैयार हुआ है। धन्यवाद बाबा, किसी की भी वजह से आपने मुझे इतना सारा मेहनत करवाया और मुझे इतना बड़ा आदमी बना दिया, धन्यवाद बाबा। हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से ही सब हासिल हो जाता है।